चलिए नजर डालते हैं न्यूज प्राइम 24 के कुछ खास खबरों पर। बिहार में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 425। अरवल जिले के करपी में ग्राम रक्षा दल ने गरीब मजदूर परिवारों के बीच राहत सामग्री का किया वितरण। अरवल जिले के कुर्था प्रखंड के खेमकरण सराय पंचायत के वार्ड नंबर 2 मुबारकपुर मोहल्ला कचड़े में हुआ तब्दील, जन प्रतिनिधि से अधिकारी तक कर रहे नजरअंदाज। कोरोना संकट से निपटने के लिए नीतीश कुमार आज करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई लेवल की मीटिंग। पटना लौटेंगे 50,000 परदेशी, बॉर्डर पर जांच में पॉजिटिव मिले तो वहीं पर किए जाएंगे क्वारंटाइन। बिहार आने वाले छात्रों कामगारों को ब्लॉक के क्वारंटाइन सेंटर में बिताने होंगे 21 दिन, बिना शिविर में आए गांव में नहीं मिलेगी एंट्री। पटना रोटरी क्लब ऑफ पटना के अध्यक्षा डॉक्टर मीना कुमार ने प्रख्यात फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर किया गहरी शोक संवेदना व्यक्त। पटना NMCH में कोरोना से जंग लड़ रहे 17 मरीजों को मिली छुट्टी, बृहस्पतिवार को ठीक होकर घर जाते सभी मरीजों ने डॉक्टर को किया धन्यवाद। नवादा जिला अधिकारी यशपाल मीना ने रजौली गोविंदपुर अकबरपुर में बनाए जाने वाले क्वारंटाइन सेंटर का लिया जायजा। नवादा जिला अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंडों के अधिकारियों, थाना के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों से बात कर बाहर से आने वाले मजदूरों, छात्रों को रख रखाव एवं उचित व्यवस्था का लिया जायजा। नवादा जिला अधिकारी ने क्वारंटाइन केंद्र वार्ड को लेकर गोविंदपुर स्थित तैलिक वेस्ट इंटर विद्यालय का किया निरीक्षण। नवादा DM ने किया चेक पोस्ट का निरीक्षण। दूसरे प्रदेश से बिहार लौटने वाले मजदूर एवं छात्र छात्राओं का होगा थर्मल स्क्रीनिंग, अधिकारियों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। नवादा SP ने रजौली के चितरकोली चेक पोस्ट का किया जांच, मौजूद पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों को दिए कई दिशा निर्देश। नवादा जिले के वारसलीगंज प्रखंड के चैनपुरा गांव के बाधार में मिट्टी खुदाई के दौरान मिला भगवान विष्णु की 3 फीट की ऊंची प्रतिमा, देखने को उमड़ी लोगों की भीड़।